अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, बेसिक क्या है इसके अंदर। इसके अंदर बेसिक यही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब हिंदी में कहते हैं बहिष्कोणों का योग। अब बहिष्कोण मतलब होते हैं बाहर वाले कोण। देखो ये तो होते हैं अंतः कोण, अंदर वाले कोण हो गए ये वाले, इसे कहते हैं अंतः कोण। और इसकी अगर आपको जोड़ ज्ञात करनी है, अंदर वाले कोणों की जोड़ ज्ञात करनी है ना, तो वो हमने एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा था। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोणों का योग, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ लिया था। तो वो क्या था आपके, एन माइनस टू इंटू 180। ये सूत्र से हम करते थे कि अंदर के पांच कोण हैं या छह कोण हैं या सात कोण हैं, जितने कोण अंदर वाले ना, त्रिभुज है चाहे चतुर्भुज है, तो अंदर वाले कोणों का योग ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते थे, सूत्र आता था आपके। अब लेकिन अब अगर बाहर वाले कोण ज्ञात करने हैं अगर आपको, मतलब बाहर वाला मतलब ये वाला, जैसे ये लाइन बढ़ा दी तो यहाँ पर ये कोण बन गया, आप इसको मैंने बढ़ा दिया तो ये कोण बन गया। सबको इतना बढ़ाना पड़ेगा, मैंने ऐसे बढ़ाया तो इस लाइन को ऐसे बढ़ाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं इधर बढ़ा दे लाइन को, ऐसा नहीं बढ़ाना है आपको, ऐसे बढ़ाना है जो ऐसे बढ़ा सकते हो, बात एक ही है, लेकिन फिर भी आपको आगे आगे बढ़ाना है ऐसे। ये वाला आपका बहिष्कोण है, ये वाला आपका बहिष्कोण है, और ये वाला क्या है आपके बहिष्कोण। तो ये वाले कोण, बाहर वाले कोण, इनका जोड़ कितना होता है, तो इनका जोड़ फिक्स रहता है, सूत्र लगाने की जरूरत आपको नहीं है। इसमें सूत्र लगता है इसमें, तो अंदर वाले कोणों के लिए सूत्र लगता है, इसमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा 360, चाहे वो त्रिभुज है चाहे चतुर्भुज है चाहे पंचभुज है अष्टभुज है चाहे 10 भुज वाला है, कितनी भी साइड वाला हो, बाहर के सभी कोणों का योग सदैव कितना रहता है, 360 रहता है, 360 ही रहता है सदैव, चाहे किस तरह का भी डायग्राम आपके आ जाए। तो ये आपको फिक्स रखना है इसके अंदर। आप अब देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन पांचों का जोड़ हुआ है 360, और आपको हर एक कोण ज्ञात करना हो, एक एक कोण ज्ञात करना हो ये कितना, उसके लिए देखो पहले काम तो ये है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, सभी कोण क्या होने चाहिए बराबर। तो सिंपल है, पांच भुजाएं बराबर तो पांचों कोण भी क्या होंगे बराबर, तो क्या कर दो पांच का भाग दे दो, पांच भुजाएं तो पांच का भाग दो, छह भुजा हो तो छह का भाग दो, जितनी भुजाएं उतना क्या दो भाग दो। तो अगर आपको ज्ञात करना है प्रत्येक बहिष्कोण, ईच एक्सटीरियर एंगल ज्ञात करना है प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात कर, सिंपल है, 360 के अंदर क्या कर दो आप, एन का भाग दे दो, जितनी साइड उसका भाग दे दो, जैसे आप पांच साइड है तो हम क्या करेंगे पांच का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 72 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण 72 72 का होगा। देखो ये कितना हो गया आपके 72 डिग्री, तो अंदर वाला कितना होगा, नियम है कि अंदर वाला और बाहर वाला दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है 180। देखो सीधी रेखा है ना, बिल्कुल लीनियर पैर बन गया, सीधी रेखा कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको, अंदर वाला कोण प्लस बाहर वाला कोण, इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब प्रत्येक अंतः कोण प्लस प्रत्येक बहिष्कोण, इन दोनों का जो योग होता है ना वो कितना होता है, हमेशा 180 होता है। अब वो आप चाहो तो कैसे करोगे, ध्यान देना, ये कितना बाहर वाला कोण कितना दे रखा आपके 72, और मुझे अगर अंदर वाला कोण ज्ञात करना है, घटा दो उधर जाकर, तो 180 में से गया आपके 72 कितना आया, घटा दो तो ये आ जाएगा आपके 108 डिग्री। एक तरीका तो आपका ये है अंदर वाला कोण ज्ञात करने का, प्रत्येक अंदर वाला कोण, प्रत्येक मतलब ये भी आपके 108 हो गया, ये भी आपके 108 और 72, ये भी आपके 108 और 72, ये भी आपका 72 और 108, और ये भी आपका 108 और 72। देखो 72 तो सिंपल है, भाग दिया और ज्ञात कर लिया, तो ये कई चीज़ देखो यहाँ पर, देखो योग के अंदर हमने क्या भाग दिया था, योग के अंदर मैंने क्या लगाया था, नीचे भाग में एन लगाया था, तो इसके योग में क्या लगा दो, एन लगा दो। तो अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है, इसका सूत्र बताऊँ आपको,
प्रत्येक अंत्य कोण अगर आपको ज्ञात करना है, ये किस में होगा? जिसकी पांचों भुजाएं बराबर होगी, सम बहुभुज में होगा ये, ध्यान रखना। तो मतलब सम बहुभुज में ही होता है ये, इसका मतलब होता है सम बहुभुज में, मतलब क्या होता है आपके, रेगुलर पॉलीगन उसमें होता है। तो उसमें प्रत्येक कोण ज्ञात करना क्या करेंगे, तो पहले सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, उसका योग ज्ञात करने है। देखो यहां पर इसका योग तो 360 है, जबकि इसका योग ये है, तो 360 में इनका भाग लगाया, अब ये है तो इसका भाग लगेगा। तो ये तो है आपके योग का सूत्र, इसके अंदर क्या लगाएंगे हम, एन का भाग लगा दो। जैसे बताओ कितनी साइड है, पांच साइड है, 5 - 2 * 180 / साइड कितनी है, 5। सॉल्व करो ये उत्तर आएगा 108 ही आएगा। देखो 5 में से 2 गया, 3 * 180 / 5 गुणा कर लो, 540 / 5 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपके, 108 डिग्री। या तो सूत्र से ज्ञात कर लो, या बहिष्कोण या अंत्यकोण में दोनों में से कोई एक ज्ञात कर लो, फिर घटा दो 180 में से। तो ये चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको, दोनों का योग सदैव 180 होता है, मतलब ये वाला जोड़ कितनी होती है, 180। दूसरा, बाहर वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अंदर वाले कोणों का योग ज्ञात करना हो तो ये सूत्र है योग ज्ञात करने का, 108 108 108 108 करेंगे कितना आएगा, सबका जोड़ होता है 540 डिग्री होता है। और देखो मैंने यहाँ पर निकाला भी है, ये देखो ये रहा, हल किया ना मैंने ऊपर वाला, ऊपर क्या आया 540 को मैंने 5 भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांटा तो 108 108 108 हो गया। ये तो आपका बेसिक था। अब देखो अब बताते हैं आपके एन के बारे में, एन मतलब क्या होती है, भुजाएं साइड। देखो ये क्या है, त्रिभुज है, कितनी साइड है इसके अंदर, 1 2 और 3 साइड है, ये आपका चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर। कितनी साइड है इसके अंदर आपके, कितनी साइड है, 4 साइड है। अगर हम ये बनाते हैं इसमें कितनी साइड है, 5 10 20, तो आपका जो एन है ना वो एक फिक्स नंबर आएगा, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। मतलब ये क्या आएगा, प्राकृत संख्या में उत्तर आएगा। मतलब एन का जो मान है ना वो क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या, मतलब ये वाली 1 2 3 4 ऐसे कोई भी संख्या। एन का मान एक तो ऐसा नहीं आएगा, 5.6 ऐसा नहीं आएगा। साइड आप थोड़ी सी भी देखो, इतनी बड़ी अगर ये वाली साइड है ना, अगर ये इतनी साइड है नहीं, इतनी बड़ी बड़ी साइड है, तो भी ये 3 साइड वाला ही होगा। ऐसा नहीं है ये साइड बड़ी बड़ी है, ये एक है, ये एक है, ये थोड़ी आधी है, तो आधी काम नहीं आएगी। जैसे ना लड़के नंबर में खड़े हैं, लड़के खड़े हैं ना ऐसे, 5 लड़के खड़े हैं, तो भले छोटा हो चाहे बड़ा, गिने कितने जाएंगे, 5 ही गिने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक लड़का छोटा है या इसमें बहुत बड़ा आदमी डाल दिया, डबल कर दो। तो हमेशा एन का मान कभी पॉइंटों में नहीं आता है, एन का मान कभी आपके माइनस में नहीं आता है, एन का मान कभी आपको ऐसा नहीं है कि इसमें भाग ही नहीं जा रहा है, ऐसा फ्रैक्शन में भी नहीं आता है, भाग पूरा जाएगा, फिक्स उत्तर आएगा। एन का मान या तो आएगा 7 या आएगा 10 या आएगा 20 या 25, कुछ भी आए एन का मान फिक्स आएगा। और अगर एन का मान ऐसा फिक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो जो है ना वो डायग्राम गलत है, डायग्राम सही से नहीं बना सकते। कभी कभी आपके ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि देखो ये आपका इक्विली ट्रायंगल है, जिसका तीनों कोण क्या है आपके बराबर, तो कभी ये पूछेगा कि 60 डिग्री है इसकी जगह 59 डिग्री पूछ ले, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, कि भाई यहाँ पर 59 डिग्री आ सकता है नहीं आ सकता, यहाँ पर 50 डिग्री आ सकता है नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, उसका एन ज्ञात करेंगे, और एन अगर फिक्स आ गया तो हो सकता है, फिक्स नहीं आया तो नहीं हो सकता। जैसे मान लो अंदर वाले तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताओ, 180 में किसका भाग दिया, 3 का, कितनी बार भाग गया, 60 बार भाग गया, और 60 अंदर है, इसका मतलब एन आपकी फिक्स आ रहा है कि अभी इसमें यहाँ पर देखो ऐसा कर दो, कोण याद करना है, देखो कोण कितना है, 60 है ना, 60 का भाग दे दो तो मालूम चल जाएगा 3 साइड वाला है। अगर आपने वो कह दिया अभी 50 डिग्री होता अंदर, तो भाग दे के कटेगा ही नहीं, तो ऐसा आपके बनेगा ही नहीं डायग्राम। 50 डिग्री कोण हो सकता है, लेकिन फिर वो इसका होगा अलग अलग त्रिभुज का, मान लो ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, वो रेगुलर डायग्राम होगा। तो सम बहुभुज के बारे में पूछेगा, सम बहुभुज रेगुलर के बारे में पूछेगा ना, जिसकी तीनों कोण बराबर हो, उसके लिए आपको भाग देके चेक करना है, भाग पूरा गया
तो हो सकता है नहीं गए तो नहीं हो सकता, इसके लिए भी क्वेश्चन आएगा तब करवाएंगे इसमें। बस इसमें ये ध्यान रखना है एन का मान किस में होना चाहिए, प्राकृत संख्या में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन आपके दे रखा है, इसमें एक्स का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, बाहर के सभी कोणों का योग कितना होता है आपके 360 होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों कोण लेंगे यहाँ पर, ए डायग्राम ले रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो तीनों कोण जोड़ दो, कौन कौन से हैं, एक्स है, 125 है और 125 है, बराबर 360। तो ये तो एक्स हो गया, इनकी जोड़ कितनी होती है 250 बराबर 360, उधर घटा दो तो एक्स का मान आ जाएगा 360 माइनस 250 बराबर कितना हो जाएगा आपके 110 डिग्री। ऐसे ये कोण ज्ञात कर लिया, ऐसे हम यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे, बी में भी आपको यही पॉइंट लिखना है सेम। अब देखो सभी कोण, तो देखो पता है ये 90 है तो बाहर वाले भी क्या रहता है 90। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस ये वाला 90 प्लस ये वाला 60, फिर वापस से ये 90, फिर वापस से 70, पांच साइड है ना, तो पांच एंगल आएगा, बराबर कितना हो गया, फिक्स रहता है 360 बाहर वाले सभी का एंगल। एक्स का एक्स, इनका सम कितना होता है 150, 160 इजिकल टू 310, ये हो गया 150, ये हो 160, जोड़ लो 310 होते हैं, बराबर 360 इधर भेज दो, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 360 माइनस 310 कितना आया 50 डिग्री, तो ये एक्स कितना आया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर टू है आपके, एक समबहुभुज, समबहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, वो वाला रेगुलर पॉलीगन कहते हैं समबहुभुज, सबकी सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, का प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करना है, बाह्य कोण ज्ञात करना है, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल ज्ञात करना है। तो सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, और प्रत्येक ज्ञात करना हो तो एन का भाग दे दो। तो अगर आपको ज्ञात करना है प्रत्येक बाह्य कोण या प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करना है, तो सभी का योग कितना होता है 360 होता है बाहर वालों का, बस साइड का भाग दे दो, ये उत्तर आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया आप, सूत्र है ये याद करने का। तो भुजाएं कितनी है, पहले में 9 है, दूसरे में 15 है, तो दोनों ही ज्ञात कर लेते हैं, हम पहला ज्ञात कर लेते हैं, तो 360 बटा एन कितना है 9, 9 का भाग दे दो, तो बाहर का प्रत्येक कितना है 40 40 40 40 के 9 कोण हो गए 360। सेकंड वाला कितना है आपके, 15 भुजाएं हैं तो 360 बटा 15, तो भाग देने पर क्या आया था आपके, पहले जाएगा 2 बार, 6 बच जाएंगे 4 बार, तो कितना है 24 24 के 15 कोण मिलकर 360 बनाएंगे। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, यहाँ पर एक सम बहुभुज है मतलब रेगुलर पॉलीगन की भुजाएं ज्ञात करनी, इस बार भुजाएं दी हुई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में भुजाएं दी हुई थी और हमें प्रत्येक कोण ज्ञात करना था, अब आपके प्रत्येक कोण दे रखा है और भुजाएं ज्ञात करनी है, उल्टा एन ज्ञात करना है आपको, एन कितना है, एन क्या करना है आपको ज्ञात करना है कोण आपके दे रखा है। तो अभी मैंने एक प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र बताया था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रत्येक बाह्य कोण, इसका मतलब होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था 360 बटा एन, यही सूत्र था, आपको इस तरह से ही चलना है, प्रत्येक बाह्य कोण आपके दे रखा है कितना 24, ये दे रखा है ना आपके, बराबर 360 बटा एन का एन, एन तो गायब है दिया हुआ नहीं, अब क्या करेंगे हम तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, अभी 24 उत्तर आया था ना पहले, किसका उत्तर था 24, 15 का, तो 15 ही उत्तर आएगा आपके, क्रॉस गुणा कर लो, तो 24 डिग्री एन बराबर 360, तो एन का मान कितना आ गया, गुणा है तो भाग में, ये ऐसे गुणा हो जाएगा, भाग में भेज दो, तो 360 में हम 24 का भाग देंगे, 15 का भाग दिया था 24 आया था, 24 का भाग देंगे तो क्या आएगा 15, उल्टा पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ना उसका उल्टा है ये, तो ऐसे आपको लिखना है सेम और आपको ज्ञात करना है।
अब यहाँ पर आपके सम बहुभुज है, मतलब रेगुलर पॉलीगन है, सम बहुभुज दे रखा है, भुजाएं ज्ञात करनी है, एन क्या करना है आपको ज्ञात करना है। पहले क्या दिया था, बाह्य कोण दे रखा था, इस बार क्या दे रखा है आपके अंत्य कोण। आपको लगता है कि बाह्य कोण वाला सूत्र ईजी है, उसको ये क्या है अंत्य दे रखा ना, बाह्य ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करेंगे, बताया हुआ है अंत्य और बाह्य की जोड़ कितनी होती है 180। तो आप चाहो तो देखो दो तरीके ज्ञात करने के, पहला तो है भाई आपके अंत्य कोण से ज्ञात कर लो, दूसरा है आपके बहिष्कोण से ज्ञात कर लो। देखो एक तो है भाई आपके अंत्य कोण से ज्ञात करने का डायरेक्ट, और एक है आपके बहिष्कोण से ज्ञात करने का। ये तो इंटीरियर एंगल से ज्ञात करने का है, और ये आपके एक्सटीरियर एंगल से ज्ञात करने का है। तो दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, दोनों में मिलेगा उत्तर वही एन जो है ना वही रहेगा आपके। देखो अंत्य कोण के लिए यहाँ पर देखो प्रत्येक अंत्य कोण दे रखा है, तो बताओ प्रत्येक अंत्य कोण मतलब क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल। सूत्र क्या बताओ ज्ञात करने का, एन माइनस दो इंटू 180 बटा एन। और बताओ अगर मैं प्रत्येक, ये बाद में करते हैं हम, इधर वाला पहले कर लेते हैं, प्रत्येक अंत्य कितना देगा बताओ, 165। एन एन तो गायब है, तो गुणा कर लो ऐसे, 180 एकम 180 एन, 180 का डबल 360 बटा एन, तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये वाला इधर गुणा करने पर क्या आएगा, 180 एन माइनस 360, इधर कितना आएगा 165 एन। अब एन वाला एक तरफ और बिना एन वाला एक तरफ, बराबर कितना आ गया, 360 घटा दो, घटाओ तो कितना हो जाएगा, 15 एन बराबर 360 गुणा है तो भाग में, तो एन का मान क्या आया, 360 बटा 15। अभी मैंने करवाया भी था, उत्तर क्या आता है इसका, 24। कौन सा ये सेकंड का सेकंड, वापस वापस वही आ गया। एक तरीका दिया अंत्य कोण से ज्ञात, अब बहिष्कोण कौन से ज्ञात करना हो तो मैंने अभी बताया था आपको, अंदर वाला कोण प्लस बाहर वाला कोण, अंत्य कोण और बाह्य कोण, योग कितना होता है 180 होता है, तो अंत्य कोण कितना है 165। बाहर वाला क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, उधर घटा दो, तो बाहर वाला जो कोण है ना वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 165 कितना आ गया, 15 डिग्री, बाहर वाला कोण 15 हो गया। अब 15 हो गया, अब हमें क्या करना है, प्रत्येक सूत्र लगाना है, वो प्रत्येक कौन सा बहिष्कोण वाला, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाओ, सूत्र क्या है 360 बटा एन, ये कितना है बहिष्कोण, ये रहा 15, ये इधर तो ये इधर, तो एन का जो मान है ना वो आ जाएगा 360 बटा 15, यही कितना आया 24। इसमें क्या हुआ कि हम बाद में घटाया देखो, और इसको हमने यहाँ पर पहले घटा दिया, तो आपकी इच्छा हो तो ऐसे करो, आपकी इच्छा हो तो ऐसे करो, दोनों उत्तर क्या आएगा आपके सेम आएगा, पहले घटा दो तो बाद में घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भाग तो आपको 15 का ही लगेगा, मतलब बहिष्कोण का ही भाग लगेगा। तो जिस तरह से आपकी इच्छा उस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है अभी 5, ऐसा समबहु, समबहु जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर, उसका प्रत्येक कोण 22 हो सकता है या नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब कैसे मालूम चलेगा, एन याद करो, एन अगर आपका क्या आया प्राकृत संख्या में आया, 1 2 3 वो फिक्स नंबर आया तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं प्रत्येक बहिष्कोण ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू है आपके फॉर्मूला क्या है, बताओ सूत्र क्या है, 360 बटा एन, ये सूत्र है। प्रत्येक बाहर का कोण कितना देर का 22, ट्राई करते हैं होता है नहीं होता है, 360 बटा एन, ये इधर तो ये इधर, तो एन का मान कितना आएगा, 360 बटा 22, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 11 बार यहाँ पर 18 बार। अब 11 का भाग दो, 11 एकम 11, पीछे में कितने 7 बज गए, तो फिर जाएगा 6 बार 3 बार 6 बार 3 बार, ऐसे जाता रहेगा,
ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो एन का जो मान है वो कितना आया है, 16.36 ऐसा आया। और ये प्राकृत संख्या मनी पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, तो लिख सकते हैं एन नॉट इक्वल नेचुरल नंबर, मतलब ये प्राकृत संख्या में नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई बहिष्कोण नहीं हो सकता। कोण तो हो सकता है, लेकिन अगर सम बहुभुज का पूछा है, ये सम बहुभुज में तो सभी कोण 22 22 22 कैसा हो, नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये कोण 22 1 50 70 तो इसमें हो सकता है, लेकिन सम बहुभुज में नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखना है संभव नहीं है। क्या लिखोगे, इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड इसने पूछा है आपके, क्या ये अंत्यकोण हो सकता है, बहिष्कोण तो नहीं हुआ, अंत्यकोण ट्राई करो। तो बहिष्कोण नहीं हुआ तो अंत्यकोण भी नहीं हो सकता, फिर भी ट्राई करते हैं। अब हम अंत्यकोण के लिए ट्राई करते हैं। देखो प्रत्येक बहिष्कोण के लिए ट्राई किया, अब प्रत्येक अंत्यकोण के लिए ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रत्येक अंत्यकोण, सूत्र को क्या है, एन माइनस 2 × 180/n, ये सूत्र से करेंगे। अब प्रत्येक अंत्यकोण का सूत्र, प्रत्येक अंत्यकोण कितना देर का, 22 डिग्री मान लो। तो ये कह रहा है अभी ये 22 अगर अंत्यकोण बाह्य कोण में नहीं आया तो अंत्यकोण मान के देख लो। तो मैं इसको अब अंदर वाला कोण मान के चेक कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपके, एन कितना है, गुणा कर लो, 180 एकम 180 एन, गुणा कर कितना आएगा, 360/n, करो त्रिशा गुणा, इसको ऐसे गुणा करेंगे क्या आएगा, 180 एन माइनस 360, ये गुणा कर कितना आया, 22 एन। अब एन एक तरफ, कौन एक तरफ, तो 180 माइनस एन, ये ना ये इधर आएगा 22 एन बराबर 360, घटा दो तो ये आता है अभी आपके 158 एन बराबर 360, घटा के देख लेना आप अपने हिसाब से। तो गुणा है तो भाग में, एन का मान आएगा 360/158। यहाँ पर भी आपका जो उत्तर है ना वो पॉइंटों में ही आएगा, डैश डबल 300 मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर आपको बस यही लाइन लिखनी है, एन नॉट इक्वल नेचुरल नंबर, ऐसा इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। किसी सम बहुभुज में, सम बहुभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं, पांचों भुजाएं, चाहे 10 कोई भी हो ना, सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर हो, कम से कम कितने अंश का होता है, कम से कम कितने डिग्री का कोण होता है, ये ध्यान रखना है, कम से कम कितना होता है, और अधिक से अधिक बहिष्कोण कितना होता है ये बताना है। तो दोनों ही चीज़ें सबसे छोटे बहुभुज में होगी, और वो सबसे छोटा वाला बहुभुज कौन सा है, तीन भुजाओं वाला, एक भुजा का भी कोई नहीं होता, डायग्राम नहीं होता है, दो का भी कोई नहीं होता है, इसका होता है हमेशा तीन भुजाओं वाला, सबसे छोटा डायग्राम ये है, कितनी भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला सबसे छोटा डायग्राम है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर, ए बी और सी। इसका बहिष्कोण बताना है, अंत्यकोण भी, अंत्यकोण बताना कम से कम, और बहिष्कोण बताना है अधिक से अधिक बताना है। तो लिख सकते हो इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल त्रिभुज में हो सकता है, त्रिभुज में से ही ज्ञात कर सकते हैं, या फिर त्रिभुज में से ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात करते हैं। तो तीन भुजा है ना, एन कितना है, 3 है ना, अगर मुझे ज्ञात करना है प्रत्येक अंत्यकोण, सूत्र क्या क्या करने का, एन माइनस 2 × 180/n, ईच इंटीरियर एंगल, साइड कितनी है, 3 साइड है, बटा 3, ये तो एक है मतलब है नहीं, भाग दे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब है इसका प्रत्येक कितना डिग्री आ गया आपके, 60 डिग्री अंदर वाला। अब हम ज्ञात करते हैं बाहर वाला, बाहर वाला कैसे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं प्रत्येक बहिष्कोण, कितना हो जाएगा, 360/n, 360/n कितना होता है, 3 भुजाओं वाला है तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री,
ये हो गया अभी 120 डिग्री। देखो दोनों योग कितना हो रहा है, 180 भी हो रहा है। ये सबसे छोटा है, इसमें देखो क्या पूछा है, कम से कम 60 डिग्री, इससे छोटा डिग्री नहीं आ सकता। और ये कह रहा है अधिक से अधिक बाहर वाला कोण 120। बताओ आपको अलग एग्जांपल लेकर, ये त्रिभुज लिया मैंने, अगर मैं चतुर्भुज लेता तो क्या कहता बताओ, यहाँ कितना आता अंदर, अंदर भी 90 और बाहर भी 90, यही होता चारों कोणों में ऐसे। अब देखो ये कह रहा है कि कम से कम अंतः कोण, कम से कम कितना है, 60 ही है ना, आगे जाओगे तो कोण बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो कम से कम वही होगा 60 डिग्री। अब ये कह रहा है आपके अधिक से अधिक सबसे बड़ा कोण, भाई ये कोण सबसे बड़ा यही है 120, इसके बाद अगर इसमें आओगे तो कम हो जाएगा। ऐसे ही आपके पंचभुज में है, पंचभुज में अंदर वाला कोण कितना होता है, 108 होता है, और बाहर वाला कितना होता है आपके 72 डिग्री। देखो बाहर वाला कम होता जा रहा है और अंदर वाला बढ़ता जा रहा है, तो अंदर वाला सबसे छोटा कोण कहाँ होगा, त्रिभुज में, और बाहर वाला सबसे बड़ा कोण कहाँ होगा, त्रिभुज में। ये आपके सबसे बड़ा है, इसके बाद वाले आपके जो डायग्राम आएंगे उसमें घटता जाएगा और ये वाला बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा पूछा है, कम से कम इसमें हमेशा त्रिभुज वाला ही आएगा, ऐसा उल्टा नहीं पूछ सकते, ये कम से कम यहाँ नहीं आ सकता, अधिक से अधिक यहाँ नहीं जा सकता, उल्टा नहीं जा सकता, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे चतुर्भुज या त्रिभुज बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ उल्टा नहीं चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो फिर यहाँ पर डायग्राम बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे जो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा और उसका उत्तर होगा त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, किस समभुज, नाम क्या हो जाएगा आपके, समबाहु त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, क्या कह सकते हो उत्तर क्या आएगा हमारा, तीन भुजाओं वाला समबहुभुज, ये होगा हमारा उत्तर, तीन भुजाओं वाला, थ्री साइड वाला ट्राइंगल।